बतौर जर्नलिस्ट मुझे ये बताइए, आज हम कोशिश यही है कि हमारे जो आज के नौजवान जो मीडिया स्टडीज में इस वक्त यूनिवर्सिटीज में मौजूद हैं, उनको थोड़े से जो चैलेंजेस हैं उसके हवाले से भी आगाही देनी है। हाँ, सिर्फ एक टिप है, कंटेंट में आपने आपको उतारा मजबूत करें। ये इसके ऊपर सारों पे ना रहें कि जी ये मुझे मौका मिलेगा तो देखूंगा। आपके पास मौका आज ही है, लेकिन देखे ना आपकी वो जो स्ट्रगल थी उसने पे बैक भी किया। सुबह 7 बजे में आ देखें, कोई चीज भी जो है ना ऐसी नहीं हो रही थी। आपको कुदरत ने एक जगह पे खड़ा किया है, जबरदस्त। ये जो जिम्मेदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितने करोड़ों लोगों के भी आप पे एक चीज देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, VOPTV.co के एक मजीद पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपके मेजबान मोहम्मद जमीर असदी। आप जानते हैं कि हमारी ये कोशिश होती है कि अपने इस पॉडकास्ट में हमेशा नई शख्सियात को मधु किया जाए, और सबसे बड़ा हमारा टारगेट ये होता है कि जनाब हम जिन शख्सियात को बुलाएं उनकी जो एक लाइफ की सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में हम जान सकें, उनकी ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर सकें। और हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर हम जो है नौजवान शख्सियात को अपनी इस पॉडकास्ट में इनवाइट करें। तो आज हमने फिर कोशिश की, हमने इनवाइट किया पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री ख़ास तौर पर जर्नलिज़म के शोबे से वाबस्ता हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त टीवी चैनल के एक नुमाया कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और इनके क्रेडिट पर बहुत ज़बरदस्त शानदार ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनको इन्होंने ब्रेक किया। और पाकिस्तान में हमने इस टीवी चैनल के थ्रू सुहेल साहब की ज़ुबानी ऐसी बहुत सी स्टोरीज सुनी जो कि बाद में उन स्टोरीज़ की बदौलत इनको एक पाकिस्तान में जर्नलिज़म का एक बहुत मोतबर अवार्ड भी हासिल हुआ। तो मैं सुहेल रशीद साहब को वेलकम कहता हूँ जनाब अपने आज के इस प्रोग्राम में। सुहेल भाई बहुत शुक्रिया आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें इन्वाइट किया और मौका दिया कि आपके साथ कुछ गपशप हो सके। नहीं जी ज़रूर, हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने दोस्तों को और ख़ासतौर पर जो नौजवान शख्सियात हैं जिन्होंने कम उम्र में ही अपने शोबों में जो है शानदार कामयाबी हासिल की उनको हम इनवाइट करें। और मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारी आजकल की जो आपको पता यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, और उनको कोई ऐसी शख्सियात उनके सामने बिठाना, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस को सुनना, ताकि जो हम आज यूनिवर्सिटीज़ में नौजवान मौजूद हैं और अपने अपने शोबों में मुख्तलिफ जगहों पर स्ट्रगल कर रहे हैं उनको कोई उम्मीद दिलाई जा सके। बाज़ आप जानते हैं कि हमारे यहाँ डिग्री हासिल करने के बाद लोग जो है जब जॉब नहीं मिलती तो बड़ी मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो ये हमारी एक कोशिश है नौजवानों को इंगेज करने की। बहुत अच्छी काविश आपकी, और जो आपने जिस तरह से बात की कि यूनिवर्सिटी में आते हैं और फिर जॉब नहीं मिलती तो मायूस हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है यहीं से अगर हम पिक करें तो बहुत अच्छा होगा। कि मेरा अपना एक्सपीरियंस यह है, या मैंने अपने इर्द गिर्द जो अपने दोस्तों की स्ट्रगल को देखा है, तो उससे मैं एक जो जितने भी नौजवान यूनिवर्सिटी में हैं उनको तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पे मायूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मायूस नहीं होना। दूसरा अपना जो तरीका कार है उसको थोड़ा सा चेंज करें। हमारा माइंडसेट ये है कि जनाब डिग्री कर ली और फौरन जॉब मिल गई। हमारी अप्रोच जो होती है ना वो ये होती है कि समहाउ हम अच्छे ब्राटा बच्चा हुआ होता है, अच्छी यूनिवर्सिटीज में होते हैं, क्लासरूम का माहौल ऐसा होता है कि आपको बड़े सक्सेसफुल टीचर्स समटाइम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। तो आपने देख के समझते हैं कि अच्छा जी आप मेरी भी, मैं मतलब आपने मिसाल देता हूँ, आपने भी पढ़ा होगा बिल्कुल मैथ्स कम्युनिकेशन में, तो हर बंदे की ख्वाहिश ये होती थी कि पाकिस्तान में हामिद मीर बनना है, ये जगत चौधरी बन गए, ऐसे ही बनना है तो सीधा वही बनना है और डिग्री के फौरन बाद बन जाना है। उनकी लाइफ स्टोरी पढ़े तो पता चलता है कि कैसे उनका जिंदगी का सफर शुरू हुआ है और कैसे ये नाम बनाने में वो कामयाब हुए। सबसे पहले तो आप जिस फील्ड में आते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं तो आपने आपसे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करते रहे, बिल्कुल पढ़ रहे होते हैं, आपका दिल गवाही दे रहा होता है आपको किस तरफ जाना है या नहीं जाना, तो आप दिल की आवाज सुने, और अगर वो कह रहा है कि नहीं यू कैन डू इट, तो फिर मेरा ख्याल है आप डिग्री कंप्लीट होने का भी इंतजार न करें, इधर उधर आंखें खोलें, आप एवेन्यूज देखें, आप कर सकते हैं, और जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, इंटर्नशिप भी मिले, तो आप उसको इंटर्नशिप इसलिए ना करें कि आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, आप इसलिए करें कि कोशिश ये करें जिस दिन आपको डिग्री मिले आप रिक्वायरमेंट बन चुके हों किसी इदारे की, जबरदस्त वो ये अब स्किल बड़ी जरूरी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ थ्योरी पढ़ाई जा रही है लेकिन वो स्किल भी बाज़ का यूनिवर्सिटीज में नहीं सिखाई जा रही, तो उसके लिए इंटर्नशिप बहुत जरूरी है। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ कि जब 4 सेमेस्टर हमारे टोटल थे, 2 ईयर्स का मास्टर्स प्रोग्राम था, जब 3rd सेमेस्टर के बाद गर्मियों की छुट्टियां हुई तो हमें भी ठंडे इलाके में, तो बड़ा दिल था कि हम भी जाके गर्मियों की 2 महीने का छुट्टियां गुजारें, लेकिन हमने कुछ दोस्तों ने ये तय किया कि इन छुट्टियों में जो जाएगा, क्योंकि इसके बाद लास्ट सेमेस्टर छुट्टी में जो घर जाएगा वो डिग्री के बाद भी घर ही जाएगा। हां सही है, इन छुट्टियों में आप ढूंढ लोगे आपने आखिरी सेमेस्टर के बाद क्या ठिकाना है। हां अगर आप अच्छे इस्लामाबाद जैसे शहर में स्टे करना चाहते हैं तो यकीनन फिर आपको, हां तो हमने मजीद मेहनत करी, रियलाइज किया और हम कामयाब रहे कि हम एक फिर इंटर्नशिप लेने में कामयाब हुए। अच्छा जब
जबरदस्त ठीक है। पहले हमें इसी तरह भी इंटर्नशिप पढ़े लगे थे हमने दिन यूज जैसे इदारे में। अच्छा जबरदस्त माशाल्लाह स्टार्ट एक अच्छे इदारे के साथ किया आपने। काफी दोस्तों ने किया यार कि अभी क्या जल्दी पढ़ी डिग्री तो आई नहीं तो किधर जा रहे हो, तो मैंने कहा यार डिग्री तो आती रहेगी सीख भी लें कुछ जगह हम तारुफ कराने जोगे हो जाएंगे। अच्छी सोच है ना। और बाज़ूकात सिर्फ ये कि हम डिग्री करके और ये फील्ड में जाके कोशिश करें कि अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो जिस तरह आपने इंटर्नशिप को अवेल किया तो स्किल के बगैर तो मेरा ख्याल है डिग्री आप बेशक मास्टर्स कर ले एमफिल कर ले पीएचडी भी कर ले तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होती बिल्कुल ऐसा ही आपने जा फरमाया कि उसके बाद तो आपको देखें फील्ड में जब आप आते हैं तो उसके बाद एक इंटर्नशिप का लेवल तो तय हो गया, उसके बाद जब आप आते हैं तो मायूस होने के रास्ते जाएंगी अच्छे खासे चले पैसे बन जाएंगे घर का सर्कल चल जाएगा, लेकिन जर्नलिज्म अपने शौक से किया डिग्री के बाद जब जॉब नहीं मिली दो चार माह के वही सगर वाले जो पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स का यही था कि जनाब खुद किए आप भुगते और अगर अभी भी टाइम है हमें इंग्लिश दोबारा कर ले और फिर आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। क्रीम का यूटर्न ले लें, हमें लोग कहा करते थे कि नजदीक से यूटर्न ले लें और वापस हो जाए, हम जिस फील्ड में आ रहे थे वहाँ भी लोग ये कह रहे हैं कि जी यूटर्न नजदीकी लें वापस चले जाए खराब है ऐसे ही है नेक नीति से। लेकिन ये अगर आप कमिटमेंट के साथ लग रहे हैं तो यकीन यही डिग्री आपको फिर मैं आपको बताता हूँ अच्छी चीज जो है मुझे पूछा था ना कि आऊं या नहीं हूं जो प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट से बड़े तो मैं पूछता था लोगों से चाहिए कि गाइड करें वो कहते थे लौट जाओ। अच्छा किसी ने ये नहीं कहा कि इसको ज्वाइन करें, बंदे ने कहा और मैंने उसको बांध लिया। अच्छा बड़ी बात है काम करने वाले बंदे के लिए जगह ही जगह ही जगह और आज भी मीडिया इंडस्ट्री में काम करने वाले बंदे के लिए जगह बिल्कुल जगह और टॉप पे मौजूद है। मैं किसी को मायूस नहीं करूंगा, पता नहीं कितने लोग मायूस होते होंगे, टॉप पर मौजूद है स्टार्ट में मौजूद है हर जगह मौजूद है। आप फील्ड में निकले आपको पता चल जाएगा कितने काम करने वाले की जगह है, काम करने वाले आप हैं ये आपने साबित करना ऐसी। अच्छा सुहेल भाई ये बताइए कि आप यही गुफ्तगू करें इसी से मुंसलिक एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, मीडिया इंडस्ट्री में आने का शौक कब किस उम्र में आपको फील हुआ कि यार जर्नलिस्ट बनना है, टीवी ज्यादा देखने का शौक था अखबार ज्यादा पढ़ने का शौक था, कोई कम्युनिटी आपकी ऐसी थी जिससे आपको लगा कि यार जर्नलिज्म में जाते हैं? अच्छा वो होता है ना कि आपकी कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड चीजें चल रही हैं और कई ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं जो बाद में जब आप किसी जगह पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा फला 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 इवेंट्स जो हुए थे वो मुझे बेसिकली सिर्फ मोड़ रही थी कुदरत इस तरफ मुझे लेके आ रही थी। तो मेरा भी ऐसा ही है कि मैं एक रिमोट एरिया आप कह सकते हैं वहाँ मेरा आजाद कश्मीर में था सही, तो वहाँ से लेकिन यह है कि वहाँ पे स्टडी सिस्टम नहीं। आप तो आजाद कश्मीर से माशाल्लाह हमारे काफी अच्छे दोस्त जो हैं मीडिया इंडस्ट्री में बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं जी, वहाँ पे यह है कि वहाँ एजुकेशन सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है बड़ा स्ट्रांग है शुरू से ही बड़ा स्ट्रांग रहा है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई। फिर इस तरह के इदारे थे जहाँ पे ना आपको जनरल नॉलेज जिस तरह की चीजें सारी एक वो बताया जाता था कि इस तरह की चीजें, तो आपको अब मैं पढ़ वहाँ पे प्री इंजीनियरिंग रहा था। अच्छा जेल में मैं साफी बन चुका अच्छा। मुझे ये नहीं पता था कि डिग्री मुझे कौन सी करनी है। अच्छा लेकिन मैं जहनी तौर पर तैयार था कि मैं इस तरह की ऐसे कोई लिखने वाली चीज इस तरह में कुछ करना चाहिए। घर में बचपन से लिखने लिखाने का शौक था, लिटरेचर पढ़ने का शौक, बाहर आते थे ठीक है रेगुलर अबू जी का ये उसमें बड़ा किरदार मेरे वालिद साहब का। अच्छा जबरदस्त मतलब हां जी बात है पेरेंट्स जो थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं थोड़ा मुझे गाइडलाइन दे देते हैं ताकि रखते तो शायद मैं ना होता फिर आप मीडिया में। घर में एक मुकम्मल अखबार रसाले जराइद इस तरह की चीजें आती रहती थी जो भी चीजें जो आपको ना हेल्प करती हैं जिसमें किताबें, तो एक माइंड में एक बन चुका था कि मैंने सिर्फ जाना है, नाम भी नहीं पता था कि मैंने कैसे जाना है डिग्री कौन सी करनी है ठीक है जी, क्योंकि हम तब तक वही जानते थे कि जो अखबार का लोकल नुमाइंदा होता था। हाँ हाँ बस उसी को जल्दी नहीं मैंने कुछ आगे इससे कुछ बेहतर करना है। हाँ तो फिर जब ये मास कम्युनिकेशन की डिग्रीज वाला स्टार्ट हो गई चल गया कि ये प्राइवेट मीडिया आ चुका हुआ था बल्कि बड़ा बूम था कि 2000 के बाद तो उसके बाद फिर 2009 में मैंने नंबल यूनिवर्सिटी में अच्छा 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 जबरदस्त माशाल्लाह उसके बाद अच्छी बात है बड़ा अच्छा आपने डिसीजन किया क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ पकड़ने वाले भी थे हम सब आपको देख रहे हैं माशाल्लाह आपने फील्ड में बड़े जबरदस्त अपना नाम बनाया है, तो मुझे ये बताएं कि अभी तक तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त आपकी प्रोफेशनल कैरियर आपका बड़ा जबरदस्त चल रहा है और हम जानते हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो पुराना स्कैंडल था जिसमें एक हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर जो है वो डिस्क्वालीफाई भी हुए उसमें आपने बड़ी जबरदस्त शानदार इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी की,
तो मुझे ये बताएं, तो आप ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि हमारा जो आज का जो नौजवान है जो जर्नलिज्म में चाह रहा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, टीवी स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस टीवी स्क्रीन के पीछे, इससे हटकर कैमरे से पीछे के जो चैलेंजेस हैं, जो थ्रेट्स हैं और जो स्ट्रगल है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ये कोई बेड ऑफ वो क्या कहते हैं रोजेज नहीं है, ये हॉट सेलिंग केक नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो पनामा का जो आपका एक आपने बड़ी जबरदस्त उस पर स्टोरीज भी की, उस पर आपको माशाल्लाह इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का अवार्ड भी मिला पाकिस्तान में, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं कि कितना मुश्किल था उसको उस पनामा की स्टोरीज को ब्रेक करना। अच्छा, और फिर अपनी एक रिकग्निशन भी बनाना। पनामा की स्टोरी ब्रेक मैंने नहीं की, ब्रेक वो ज़ाहिर है इंटरनेशनली हुई है, उसमें पाकिस्तान में बड़े सीनियर इन्वेस्टिगेटर थे उमर शीमा साहब, लेकिन आप लोगों ने फॉलो किया उसके बाद उसको लेके चले। फॉलो किया मैं उस वक्त इस इदारे में आ चुका था, सभा में ज्वाइन किए मुझे कुछ दिन हुए थे, तो एक शाम में ड्यूटी करके घर आया बैठा, तो मैंने देखा स्क्रीन पे ना पनामा स्कैंडल ब्रेक हो रहा है। अच्छा, तो मैंने कहा जी चलें, ये तो नया सीन आ गया। उसके बाद फिर वो आपने देखा पीटीआई ने से उसको स्ट्रगल किया, मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां से मैंने इसको कवर करना स्टार्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे एज सेकंड रिपोर्टर पहले सारे ने कहा कि आप जाओ इसको देखो, जब नए फील्ड में किसी भी बीट में तो आपको पहले ट्रेनिंग की जरूरत थी, कि मैंने कहा अच्छा ये एक मिल रहा है तो चले वहां पे चले जाते हैं, इंटरेस्ट भी था जिसको वो पढ़ने लगे। तो उसके बाद उस पे जेआईटी बन गई। हाँ, बिल्कुल। जेआईटी पे मुझे पूरी कवर करने की मुझे असाइन हो गई। अच्छा, ये आपने वो आप मैं कवर के बड़ा क्रिटिकल पीरियड था और पूरा पाकिस्तान उसको फोकस कर रहा था और आपको यंग एज में उसको कवर करने का मौका मिला था। और उसका मैं आपको बताऊं कि पहले दिन जब उसकी हुई ना प्रोसीडिंग, तो पहले दिन मेरी छुट्टी थी। अच्छा, तो मैंने देखा स्क्रीन पे हमारे बहुत सीनियर साफी वहां थे, तो मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि यार किसी साहब मैं भी इस तरह की मैं भी इसी तरह रिपोर्टिंग। अगले दिन मुझे ऑफिस से बकायदा वो एक रिटर्न आया हुआ था जी कि ये आप करेंगे। अच्छा, जबरदस्त, मैं तो ख्वाहिश पूरी होगी आपकी, अल्लाह ताला से जो आपने मांगा आपको फौरन मिल गया। तो वो एक ऐसी वहां पे पहुंचा तो बहुत सीनियर रिपोर्टर्स थे, रहमान साहब थे, ऐसे बड़े वहां पे लोग, बड़े नाम थे, बिल्कुल, क्योंकि ये इतना बड़ा स्कैंडल था पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री, खासकर जर्नलिज्म इंडस्ट्री में जो बड़े नाम थे उन्हीं लोगों ने इसको कवर किया अपने मीडिया चैनल्स के लिए। तो मुझे उन्होंने जब मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे, तो उन्होंने कहा जी ये तो पाकिस्तान में एक डिफरेंट नेचर की चीज है, डिफरेंट पहली बार हो रही है, बंद कमरों में हो रही है और उसका कोई एलानिया नहीं जा रही होना। हाँ, उसका खबर जो निकालनी है सोर्स के थ्रू निकालनी है, सोर्स के थ्रू निकालनी है, और उसका सुप्रीम कोर्ट में जो है ना पेशरफ रिपोर्ट्स जमा होती रहेंगी, वहां से कोई चीज सामने आई है, यहाँ पास कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये चीजें हमने देखनी होंगी। लेकिन जाहिर से उस पे तो चैनल्स का मैराथन ट्रांसमिशन चलती थी, बिल्कुल ऐसे ही उस पे तो इतना कंटेंट आप नहीं निकाल सकते, मारने लगे, आपको बैकग्राउंड नॉलेज का पता होना चाहिए, चीजों को पढ़ने लगे, तो एक उसमें बस वो कहते हैं ना कि कश्ती में सवार हो गया, सवार हो गया, लेकिन अच्छी सवारी की आपने, अच्छा। उसके बाद वो उस पे नैब के केसेस बन गए, फिर मैं नैब की बीट भी देखता था, मतलब उस जमाने में नैब हो गया, फिर ये हो गया, ये जीआईटी होगी, ये बड़ी क्रूशियल एक चीजें चल रही थी, हर किसी का फोकस था और आपको उस लाइमलाइट का हिस्सा बनने का मौका मिला और उसको आपने भरपूर मेहनत भी की और उसको कैश भी मिला। उस पे यूं कह लें कि मैंने अपनी उम्र का जो बेहतरीन हिस्सा उसको उस पे गुजारा सुबह 7, लेकिन देखे ना आपकी वो जो स्ट्रगल थी उसने पे बैक भी किया। सुबह 7 बजे में आ जाता था, बड़ी हाई सिक्योरिटीज, वो नैब कोर्ट्स में क्या हो रहा है उसके अंदर लेना, रात को 9 बजे का बुलेटिन होता है उसमें अक्सर कोई रिपोर्ट कोई लाइव लगा होता था, उसके बाद फिर अगले दिन का एक खाका बना के देना कि कल क्या क्या होगा, तो रात जाते जाते 1-2 हो जाते थे, सुबह फिर 7 बजे आना, और ये प्रोसेस कई साल चला। उसके साथ फेक अकाउंट स्कैंडल आ गया, वो चीजें ऐड ऑन होती गई, फिर वो नैब को मैं कई के दिन रात को तो मतलब सो नहीं सके, नींद नहीं पूरी, हो ही नहीं सकता था ना, या तो आप कर नहीं, या तो आप कहने के ये मुझसे नहीं होता। लेकिन यार जहरी बात है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हो तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं, तो जब आपको पता भी होगी ये आपका कैरियर है और इसको ग्रो करने का मौका मिल रहा है। तो बस फिर उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा आया था कि इस्लामाबाद में 2-3 बिल्डिंग्स के अलावा मुझे याद नहीं था बाकी इस्लामाबाद में सुबह होती थी, रात होती थी, मैं वहां से सीधा घर गए, घर जा रहा होता था, सो गए, सुबह फिर क्या गुजर रहा होता था। तो ये स्ट्रगल्स आती हैं, ये फेज आप पे आते हैं। तो उसमें आपने खड़े रहना होता है, बिल्कुल ठीक, उसमें आपने घबराना नहीं होता, जैसे कि हमारे साबिक पुरानी घबराना नहीं है, जिंदगी की जंग हार गया, तो बस घबराए नहीं जी, लगे रहे। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज चले तक जबरदस्त बेहतरीन काम किया है। दूसरा आपने वो कहा था इन्वेस्टिगेटिव आगाही, बिल्कुल अवार्ड आपको मिला, बीट से हट के सेपरेट मेरी एक कोशिश रहती थी कि कुछ चीज अगर आ गई कुछ ना कुछ नया किया जाए, तो हम खुद से क्वेश्चन करते रहते थे कि क्या ये चीज ऐसे हो सकती है। वो एक ऑडियो आ गई थी, तो मैंने बिल्कुल वो आपकी वो स्टोरी भी देखी हुई है, उसमें वो साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से जो ऑडियो थी
और मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़ के जो बनाई गई थी। अच्छा, उसमें उसमें चैलेंज ये था कि अच्छा मैंने पहले दिन सुनी तो मेरा दिल कहने लगा कि यार इसमें कोई गड़बड़ है, लेकिन आपके दिल में ठीक आवाज थी। अहमद नूरानी साहब बहुत बड़ा नाम है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हां, वो लीक उनकी तरफ से की गई थी ट्विटर पे, मेरा ख्याल है उनकी खबर थी। अच्छा, उनकी खबर थी, खबर थी कि ऐसी एक ऑडियो है और उसका फोरेंसिक भी अमेरिका से करवाया। बिल्कुल, अब अहमद नूरानी साहब जैसा है नहीं, जारी बात है, बड़ा नाम है, हमने भी उनको फॉलो किया। मैं तब भी मैंने कहा था अपने उस पे कि उस में उनकी कोई बदनीति नहीं। हां ठीक है, किसी भी जर्नलिस्ट के पास एक चीज आती है और फॉरेंसिक, मतलब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहां उसको काउंटर चेक नहीं करते, उन्होंने फॉरेंसिक करा लिया ना, उससे पहले इस तरह का चूंकि वाकया हुआ नहीं था कि कोई इस तरह की कोई चीज फेंक देना, उन्होंने फॉरेंसिक करवा लिया। उन्होंने कहा अच्छा, वो फॉरेंसिक जो था वो ओरिजिनल था, क्योंकि उसके फॉरेंसिक भी ओरिजिनल था ना, लेकिन उसको जब काउंटर किया गया तो पता लगा कि वो बिल्कुल फेक निकली। उसमें देखें, उसमें मैं इसी चीज में तो पहुंचा था, मैं बोलता था कि फॉरेंसिक को आप जो है ना चीट कर सकते हैं। अच्छा, आपको मैं एक ऑडियो दे दूं रिकॉर्ड करके, अगर उसमें हुआ ये हुआ था कि मुख्तलिफ ऑडियो एक जगह रख के उनको प्ले करके दूसरी डिवाइस के साथ उनको रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है, जो दूसरी डिवाइस से री रिकॉर्ड हुआ हुआ था ना, वो फॉरेंसिक के लिए भेजा। और क्वेश्चन सिर्फ ये था कि क्या ये स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक एडिट है कि कट लगा है। एडिट दोनों। अच्छा 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 अच्छा, और क्वेश्चन भी बड़ा जो है ना वो गेटमेंट सा था, जिसका जवाब अपनी मर्जी के मुताबिक दिया गया। बेसिकली हम यही चेक करते हैं ना, उससे पहले हम भी ये चेक किया करते थे कि ये एडिट तो नहीं है, हमारा नहीं है, एडिट नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि फॉरेंसिक भी था तो मैंने उनको दोस्तों से कहा, मैंने ट्वीट की सबसे पहले, मैंने कहा जी कि ये जो ऑडियो आई है मुझे ये स्पीचेस लगती हैं, ये मुझे टेलीफोन कॉल नहीं लगती। अच्छा, जबरदस्त। मुझे काफी दोस्तों ने काउंटर किया कि इसका फॉरेंसिक है, बेशक फॉरेंसिक है, मैंने अपने तौर पे ना, हां आपने अपनी जो एफर्ट करनी थी, जो काउंटर चेक करना था आपने किया, और आप सेटिस्फाइड थे कि ये शाम को ये मैं बेचैनी से आ गई ना कि मैंने कहा नहीं, ये जो मैं मेरा दिल जो कह रहा है ये ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ हुआ है, और मैं आपको ये अगेन क्ले कर दूं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई सागर निसार साहब की बड़े फैन नहीं, डेफिनेटली जी हमारा बतौर जर्नलिस्ट तो मैं ये नहीं कह रहा था कि किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं, जस्टिस थे और उनके ऐसा कुछ था, इनको डिफेंड करने का आपका काम है फैक्ट्स को रिपोर्ट करना, ठीक है। लेकिन चूंकि एक मेरी वो बन गई, मैंने कहा यार नहीं, ऐसा कुछ हुआ है और इतना बड़ा स्कैंडल बन रहा है तो इसको मैं देखता हूँ। मैंने कहा यार बतौर चीफ जस्टिस बंदा कितना एक साल रहता है और कितनी जगहों पे स्पीच कर लेता है और जहां भी करता है रिकॉर्ड भी होती है, वो रिकॉर्डेड होती है, सारी बातें मैंने अपने ऑफिस से आर्काइव उठाई है। अच्छा, स्पीचेस देखना शुरू कर दी, यूट्यूब पे भी मौजूद थी। मैंने तो कितना टाइम लगा आपको, ये कितनी स्पीचेस थी जो आपने सुनी, क्योंकि वो तो आपने फौरन ही, मेरे ख्याल वो स्टोरी ब्रेक हो गई उसके, उनकी स्टोरी थी वो, रात मेरी पूरी लगी। अच्छा, अगला दिन मेरा पूरा लगा और अगली शाम 9 बजे उसका तोड़ आ चुका था, 25 से 26 घंटे। अच्छा, लेकिन वो एक बड़ी चीज आपने की, स्पीचेस सुनी है और उसको मैंने ये नहीं कि किसी जगह मैं हल्का फुल्का कोई लफ्ज नहीं, वो जिस तरीके से मैंने सुना, मैंने कहा जुमले मिलेंगे अगर मुझे वही तो होगा। हाँ, वो जुमले मुझे मिल गए, पूरे के पूरे पीस मिल गए, जबरदस्त। और उनको बड़ा स्मार्टली पिक किया हुआ था किसी ने, मैंने उनको जोड़ा और फिर मैंने उनको टाइमलाइन पे रखा जो लीक लाड़ियों के नाम से थी, जो मैंने उठाई उनकी जो है साउंड पीक्स भी एक बंदे थी। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पास स्ट्रेस भी नहीं आया। देन मैंने वो अपने चैनल को फाइल की कि ये इसमें ये हुआ है, गड़बड़ है इसमें, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा जी ये तो है, और वो खबर हमने ब्रेक कर दी। बाद में फिर डिफरेंट न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको पिक किया, से जो मेरा उनसे रابطہ किया, उनसे क्वेश्चन लगा कि अगर आपसे कोई ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड करके दे तो मुमकिन है कि आप उसमें जी, उन्होंने कहा जी हाँ ये मुमकिन है, अगर किसी ने हमें री रिकॉर्ड करके भेज दिया तो हमसे फॉरेंसिक की गलती हो सकती है। अच्छा, जबरदस्त, ये वो स्टोरी थी जिसके ऊपर वो अवार्ड मिला। चलिए जी, जबरदस्त। अच्छा सुहेल भाई, ये बताइए, आपने इलेक्शंस कवरेज का भी आपको मौका मिला, तो अभी 2018 के जो इलेक्शंस हुए उससे हट के वो कैसे थे या नहीं थे, बतौर जर्नलिस्ट मुझे ये बताइए। आज हम कोशिश यही है कि हमारे जो आज के नौजवान जो मीडिया स्टडीज़ में इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं, उनको थोड़े से जो चैलेंजेस हैं उसके हवाले से भी आगाही देनी है। इलेक्शन कवरेज जो है वो कितना आसान और कितना मुश्किल काम है, और उसमें बतौर जर्नलिस्ट फैक्ट्स को जो है रिपोर्ट करने के लिए किन चीज़ों को सबसे ज्यादा जो है ना प्रायोरिटी पे मद्देनजर रखना जरूरी होता है। आपका जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने स्टार्ट से बात की थी अप्रोच की, यूनिवर्सिटी में जब आप आके बैठते हैं तो अप्रोच होनी चाहिए। अब आप इलेक्शन कवर करने के लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ये आपकी अप्रोच पे है, अप्रोच पे डिपेंड, इलेक्शन को कैसे कवर करना चाहते हैं आप एक ऑफिस की लगी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक चीज मैं मजीद ऐड करना चाहूंगा, आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम एक मजीद भी हो चुका है कि हमारे यहाँ हमारे दोस्त यार हैं सब फील्ड में, पॉलिटिकल अफिलिएशंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, उस पर भी थोड़ा सा बताइएगा कि अपनी पॉलिटिकल अफिलिएशन को जरा साइड कैसे रखना। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे साथ, लेकिन वो जब फॉर्चुनेट हो चुका है ये पास पॉलिटिकल पार्टीज की बीट रिपोर्टर्स होते थे, तो अब हम उन्हें मजाक में बीट सपोर्टर्स का बीट रिपोर्टर से बीट सपोर्टर का। अच्छा, जबरदस्त। ये एक ये आपके दो क्वेश्चंस हो गए, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहले हम इलेक्शन वाले की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि
कैसे कितना मुश्किल या आसान है, ये दो अप्रोच इसको तय करेंगे। एक अप्रोच मेरी ये है कि ऑफिस में यार पास ड्यूटी लगा दी है, सुबह में उठ के फटीग पड़ गई है, मुश्किल काम है, सुबह में उठ के चला जाऊंगा, वोटर्स आ रहे हैं जी, जा रहे हैं जी, इतने आ गए जी, आ गए, ये एक ही अप्रोच है कि जी मैं कवर करके शाम को आ गया, मैंने कवर कर लिया। एक अप्रोच ये है कि आप इलेक्शन आने से ना महीने दो महीने पहले आप अपने हल्के तय कर लेते हैं, कौन किधर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, क्या है, आपने उस दिन जाके वहां क्या पूरी हल्का बंदी की डिटेल्स सर, आप ये एक पर्सनालिटी का मुश्किल है, एक यूनिक फीचर बन जाता है जी। दूसरा अगर आपको फॉलो करते हैं, सुनना चाहते हैं, हां फिर आपको 50 साल बाद कोई पूछेगा आप सिलेक्शन को बताने का, आपको पता होगा जो पहली अप्रोच वाला था वो भूल जाएगा, क्या वो खाली एक पोलिंग स्टेशन बता सकेगा। तो ये अप्रोच है। दूसरी आपने बात की कि कैसे उसको माहौल होता है उससे वो हम पे असरअंदाज हो रहा होता है, बिल्कुल ठीक है, ये एक फैक्ट है। लेकिन हमारे तो आजकल हमें नल हो चुके हैं, मैं आपको अगली बात सुन लेना, एक ये है कि वो माहौल हम पे असरअंदाज हो रहा होता है, दूसरा ये है कि हम उसको रिपेल कैसे करना है, कैसे उठ के सामने आना, ठीक हो गया, वो आपने उसका असर नहीं लेना, ठीक है। आपका जाती तौर पे है, मुमकिन है मैं एक केस कवर कर रहा हूँ या कुछ और मेरा एक माइंड बन चुका हो फलां बंदा बेगुनाह है, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने उसका तासुर नहीं आने देना किसी सतह पर भी। उसका एक आसान फार्मूला मैं बताता हूँ जो मेरा मेरा ये था कि जहां पे मेरी कोई एक माइंड बन चुका होता था ना, उसके अगेंस्ट जब भी आती थी ना तो दिल कहता था कि नहीं यार ये तो फजूल बात है, ठीक है, मैं उधर ही कहता था कि नहीं इसको ऊपर लिखो, ठीक हो गया, इसको ऊपर लिखो। अच्छा आपने अपनी जाती जो एक लिंक था, अगर किसी भी तरह किसी स्टोरी के साथ था तो उसको हावी नहीं होने देना, जहां पे अंदर का मेरा वो बोलता था ना जो कायर हो चुका हुआ था, जहां बोलता था नहीं यार इसको तो देने दो, मैं कहता था नहीं इसका मतलब है कि यहां पे मैं डंडी मार लगाऊं, इसको उठाओ सबसे ऊपर लिखो, बड़ी प्यारी अप्रोच, ये फैक्ट जाना चाहिए, जबरदस्त ये फैक्ट जाना चाहिए, मेरी जाती राय सेकेंडरी है, वो मैं मानी नहीं रखती, मैं किस नतीजे पे पहुंचा हुआ हूं, जिस बंदे ने जो बात कह दिया वो जानी चाहिए, उसको फिर मैं खास तौर पे अहतमाम से लिखता था, जबरदस्त, कि फलां बंदे ने ये बात, मतलब ये हमारी इंटरनल अपने साथ एक कमिटमेंट है कि हम फील्ड में एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट के तौर पे जाने जाना चाहते हैं, या हम अपने ऊपर कोई जो लेबल है वो लगाना चाहते हैं। आपको आपको देखें कोई चीज भी जो है ना ऐसी नहीं हो रही थी, आपको कुदरत ने एक जगह पे खड़ा किया है, जबरदस्त, ये जो जिम्मेदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितने करोड़ों लोगों के बिहाफ पे एक चीज देख रही है, देख रही है आपने, और फिर उसको कम्युनिकेट भी करना है, गवाह हैं जितने आप उस चीज के गवाह होते हैं, जबरदस्त, आप झूठी गवाही देके खुद को मुतमईन नहीं कर सकते, मुतमईन नहीं कर सकते कि आपने यहाँ क्या देखा, आपने जो देखा था उसको एज इट इज रिपोर्ट, जब आपसे कोई तबसरा लेगा तो आप उस पर तबसरा कर दें कि फलां का केस मजबूत था, फलां का कमजोर था, ठीक है, इसलिए इसका ये नतीजा निकला है, जबरदस्त, लेकिन आपने बतानी पूरी बात है की ये फलां बंदे ने कहा था, ये एविडेंस वहां पे आया था, या अगर दो पोलिटिकल पार्टीज के मुजाकरात हो रहे थे तो एक की ये डिमांड थी, दूसरी इतनी पे एग्री हो गई थी, ये ये आपने चीजें सारी बतानी है, सिंपल हाल है, आखिरी बात करूंगा कि वो कहते हैं ना कि अगर आपको कमरे में दो बंदे कहें कि बाहर बारिश हो रही है, तो आपने कहा जी उसको रिपोर्ट कर दिया, दूसरा कहता है बाहर बारिश नहीं हो रही, आपने उसको रिपोर्ट कर दिया, ये लेकिन ये रिपोर्ट खुद चेक नहीं किया जाके, अब आपने खुद जाके देखना है, काउंटर चेक नहीं किया आपने, कहना है कि जी बारिश हो रही है। चलिए जबरदस्त। अच्छा सुहेल भाई, अब फाइनली मैं आपसे जरा सिर्फ ये जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे यहाँ जर्नलिज्म में आजकल एक ट्रेंड आ गया, ठीक है आप जर्नलिज्म कर रहे हैं किसी टीवी चैनल के साथ आप मुंसलिक हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि लोग पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, वीलॉग्स भी कर रहे हैं, और मुख्तलिफ अपने सोशल मीडिया पेजेस पे बहुत ज़्यादा किसी भी इशू पे कॉमेंट्स भी कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से आपकी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं उसको इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे आप पर्सनल जो अपनी अप्रोच है उसके साथ जा रहे होते हैं अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, लेकिन किसी टीवी चैनल और किसी मीडिया के साथ जब अखबार के साथ अटैच है वहाँ पे आप उनकी एडिटोरियल पॉलिसी के मुताबिक जा रहे होते हैं, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों अप्रोचेस डिफरेंट जो चल रही हैं पैरेलल, ये आपको क्या लगता है कि ये थोड़ा मुझे इसकी समझ नहीं आती कि हम कैसे कर लेते हैं कि एक चैनल पर बैठ के हम अपनी जाती सोच को लेके जा रहे हैं आगे और कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों को बता रहे हैं, लेकिन जब हम चैनल के माइक के सामने बैठते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। मेरी यहाँ भी अप्रोच होती है। अच्छा। अगर मुझे कोई ट्विटर पे फॉलो कर रहा है ना तो मुझे इसलिए फॉलो कर रहा है कि सुहेल रशीद सामा टीवी से और ये दिन को वहाँ मौजूद था और उसने देखा और मुझे सच बताया, ठीक है जबरदस्त, तो मैं वहाँ भी अपनी जात को माइनस कर देता हूँ। हाँ अगर मैंने कोई शेयर लिखना है तो अगर मैंने वहाँ पे वो चीज डिस्कस करनी है कि जो कि मैंने देखी थी या जिस तरह मैंने किया था,
तो फिर मैं मेरे जहन में बड़ा होता है क्योंकि ऊपर मैंने उस पर बकायदा लिखा हुआ है जर्नली सेट समाटी, तो लोग मुझे उस लिए फॉलो करते हैं। आपकी पर्सनल के लिए आपको फॉलो नहीं करते हैं, वो समझ रहे हैं कि वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुस्तनद बात बताए, मुस्तनद बात बताए, इसलिए फॉलो कर रहे हैं। मैं अगर उनसे यहाँ तक कोई झंडी करवा रहा हूँ तो मेरा ख्याल है। अच्छा, फाइनली सोहेब भाई ये बता दें कि हमारा आज का जो नौजवान इस फील्ड में आना चाह रहा है, आपकी स्टोरी सुनकर तो मुझे यही लगा है कि जरूर आना चाहिए इस इंडस्ट्री में, लेकिन कोई प्री रिक्विजिट बताएं। हर कोई आना चाहता है, हमने देखा है इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज मीडिया स्टडीज़ की डिग्रीज करवा रही हैं और हर सेमेस्टर में हमने देखा है सैकड़ों की तादाद में नौजवान लड़के लड़कियाँ इस फील्ड में आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी है फील्ड में आगे, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो आ रहे हैं, क्या मैसेज है, आना चाहिए या आना चाहिए तो किस तरीके से आना चाहिए, स्किलफुली कैसे अपने आप को डेवलप करके आगे आए? जमीर साहब, आपको पता है कि फील्ड में क्या देखा जाता है, कंटेंट देखा जाता है। आप लोगों के पास जितने नए आने वाले हैं ना, उनके लिए तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे लिए जब हम थे तो ये फोरम दस्तियाब नहीं था, यूट्यूब पे या किसी जगह पे हम खुद को साबित करके थे, ठीक है, हमें इस तरह का स्टूडियो या कैमरे की फैसिलिटी नहीं थी जी, बहुत मुश्किल से बैटरी नहीं देता था। आपका मोबाइल फोन है आपके हाथ में, आप इसके ऊपर रिकॉर्ड, ये पूरा टीवी चैनल है आपके पास, आप एडिट कर सकते हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसको पहले ही एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जब आप वो लेके डिग्री समेत किसी चैनल में जाएंगे या आप आपने सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस कर चुके हैं, आपको इतने लोग हजारों जो है वो मिलियंस फॉलोअर्स बन चुके लोगों के हैं, बिल्कुल है, कंटेंट दे रहे हैं उनके 4-5 मिलियन फॉलोअर्स हमारे अपने दोस्तों के ट्विटर पे। हाँ, सिर्फ एक टिप है, कंटेंट में आपने आपको उतारा मजबूत करें, ये इसके ऊपर सारों पे ना रहें कि ये मुझे मौका मिलेगा तो देखूंगा, आपके पास मौका आज ही है, आपको एडमिशन लेने से पहले मौका है। कंटेंट के ऊपर फोकस करें, आप एक स्ट्रांग चीज दें, आपने जो है ना आपकी स्टडी सबसे बड़ी बात है, हमने पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है, हम वो नसाब की किताब पढ़ रहे हैं, नोट्स जो मिलके वही पढ़ रहे हैं, उसके अलावा हमें हिस्ट्री को पढ़ने का शौक नहीं है, पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ने का शौक नहीं है, अखबार पढ़ने का शौक नहीं है। हमारे यहाँ मतीन हैदर साहब हमारे टीचर थे, नमन जी जी, तो उन्होंने ना जब हमारा एडमिशन हुआ तो सबसे पहले सब क्वेश्चन किया पहले दिन पहले लेक्चर में कि कितने नौजवान जो हैं आज लड़के लड़कियाँ जो क्लास में हम बैठे हुए, तो 40 के करीब लोग थे, अखबार सुबह देख के आए, तो देर वॉज नॉट अ सिंगल गाय के जिसने सुबह उठ के अखबार देखी हो, और बड़ी 5 अखबार के नाम भी नहीं आते थे उस जमाने में। आज जो काम कर रहे हैं ना उनमें से भी कई ने नहीं देखी, देखे ना कितना बड़ा डालना है, और फिर हम एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। दो तीन सिंपल टिप्स हैं, आप डेली ये तो पढ़ें, दूसरा अपनी मंजिल का तय कर लें, जब आप डिग्री कर ही रहे हैं तो आप देख लें कि आपने क्या जाना है, आपने एज ए रिपोर्टर ग्रो करना है, आपने क्या एंकर, जो हर बच्चे तो हर बच्चे को एंकर बनने का शौक है, तो आपको कोई मार नहीं दे सकता। जो डेस्क एडिटर्स रहे जिनका बड़ा मुताला हुआ, आप खुद को किसी काबिल कर लें, स्क्रीन आपके पास चल के आएगी, हमारे साथ बैठे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं इसी यंग एज में, अभी जाहिद गशकोरी साहब जो हैं, अभी आज ही मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी अच्छी पोजीशन हम टीवी में ज्वाइन की है, और बड़ी उनकी स्ट्रगल, मैंने और उन्होंने इकट्ठे हम सुप्रीम कोर्ट में 2008-09 में रिपोर्टिंग करते रहे, लेकिन बड़ी खुशी होती है कि इतनी यंग एज में इतने अच्छे मैनेजरियल रोल पे आ गए। तो ये सिर्फ आपकी अप्रोच स्टार्ट से तक आपकी अप्रोच तय करेगी कि आपने कहां जाना है। जबरदस्त, बेहतरीन जी। लेकिन जनाब, आज सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट, उनकी स्टोरी हमने आपके साथ शेयर की, जर्नलिज्म के हवाले से ज्यादा गुफ्तगू की, लोग आजकल जर्नलिज्म के सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट्स भरे पड़े हैं, आप जरूर आइए, लेकिन जो सुहेल भाई ने बार बार बात की कि अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखिए, फोकस कीजिए, मुतालिया कीजिए, स्किल सीखिए, और फिर इस इंडस्ट्री में आइए, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्क्रीन्स आपके पास चल के आएंगी, लेकिन आपकी कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। सुहेल भाई बहुत शुक्रिया, आइंदा भी आपको हम तंग करते रहेंगे, बहुत अच्छा लगा आप आए और ज़बरदस्त स्टोरीज आपने हमारे साथ शेयर की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।